ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे बताए हुए उपायों से मदद मिलती होगी और आप अपना जीवन अपने परिवार के साथ अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाते होंगे। दोस्तों आज हम आपको, यदि आपके शादी में कोई विघ्न रुकावट आ रही है, आपकी उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन आपके रिश्ते बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आप और आपका परिवार बेहद चिंतित है, समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वे बेहद सरल है और आपको यह कुछ ही दिनों तक करना है और आपको एक अच्छा, आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आएगा और आप अपने जीवन में अपने साथी जीवन साथी के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हैं या लड़की, ये उपाय सबके लिए है दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हम कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। आप अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको करना यह है कि आपको ये उपाय बृहस्पतिवार यानी थर्सडे से शुरू करना है। आपको एक केले का पेड़ ढूंढ लेना है, यदि आपके घर के पास है तो ठीक, वरना आप इसे अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं। आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है 17 बृहस्पतिवार तक। 17वें बृहस्पतिवार को आपको उद्यापन करना है और आपको क्या करना है, आपको बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठ के नहा धो के केले के पेड़ की पूजा करनी है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। हम आपको ये बात बता रहे हैं, ये पूजा आपको दिन में करनी है, इस बात का ध्यान रखें सुबह सुबह। और दोस्तों आपको ये देसी घी का दीपक जलाना है केले के पेड़ के पास और आपको इन चीज़ों का, मंत्रों का उच्चारण करना है। एक मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला। और उसके बाद आपको ओम ग्रा ग्री ग्रोसा गुरुवाय नमः की भी एक माला करनी है और इसी के साथ आपको बृहस्पति व्रत कथा भी पूरी पढ़नी है। दोस्तों ये काम आपको 17 बृहस्पतिवार तक करना है। 17 बृहस्पतिवार को आपको उद्यापन कर देना है। और प्रसाद की बात करें तो आपको प्रसाद में चने की दाल और गुड़ चढ़ाना है दोस्तों। और उस इसी के साथ आप इस दिन पीले वस्त्र ही पहने तो बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद आपको इस व्रत के दौरान आपको नमक का कोई भी चीज़ नहीं खानी है, चाहे वह सेंधा नमक ही क्यों ना हो। इसके बजाय आप पीले फल खा सकते हैं लेकिन केला ना ही खाएं तो अच्छा होगा। और आप इसी के साथ जैसे चने की दाल की भी कोई चीज़, या फिर आप बेसन का लड्डू और जो है पीली मिठाइयाँ और बेसन का हलवा खाएं। इस दिन आपको नमक से साफ साफ बचना है और पीली चीज़ें ही खानी हैं। और इसी के साथ इस दिन बाल भी ना धोएं दोस्तों, और ना ही नाखून काटें, ना ही घर में पोछा लगाएं और ना ही कपड़े धुलें। इन बातों का भी ध्यान रखें, अन्यथा यह उपाय विफल हो जाएगा। अगर आपने, हमने जिस तरीके से बताया विधि अनुसार आपने सारी चीज़ें करी तो विश्वास मानिए घर बैठे बैठे आपको एक बेहद अच्छा रिश्ता मिलेगा और इस बार कोई विघ्न बाधा रुकावट भी नहीं आएगी और आपकी मनचाही जगह पे आपकी शादी हो जाएगी। दोस्तों ये सुनने में सरल लग रहा है लेकिन इसका जो फल है वह असाधारण है। एक बार आप करके देखें, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बृहस्पति देव की कृपा से आपको आपका मनचाहा रिश्ता मिलेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। यदि आपको भी ऐसी ही परेशानी है तो तुरंत आप ये उपाय करना शुरू करें बृहस्पतिवार से और फिर देखें 17 बृहस्पतिवार होते होते आपके पास, आपके घर बैठे बैठे एक रिश्ता आ जाएगा और आप अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।